नमस्कार, आप सभी का CCL D20 में स्वागत है। मैं हूँ शिल्पा। उम्मीद करते हैं कि ये दिवाली हमारे साथ साथ आपकी भी थोड़ी हटके और मैथमेटिक्स भरी होगी। दिवाली त्यौहार है दियों का और रोशनी का, तो इसीलिए आज हम ये खूबसूरत सा दिया स्टैंड बनाएंगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेम्पलेट को प्रिंट करें और इसे लकड़ी के टुकड़े पर रखकर इन बिंदुओं पर कील लगा लें। और 1 से 40 तक गिनती लिख दें। इन धागों का इस्तेमाल करके हम ये 3 अलग अलग रेडियस के सर्कल्स बनाएंगे। सबसे पहले सर्कल के लिए हम हर नंबर में 15 ऐड करेंगे और जो नंबर आएगा उससे जोड़ देंगे। जैसे 1 में 15 जोड़ा तो 16 आया, तो 1 को 16 से कनेक्ट कर देंगे। 16 से वापस हम 1 पे आएंगे, फिर 1 से हम 2 पर जाएंगे और 2 में 15 ऐड करके हम 17 पर चले जाएंगे। 17 से वापस 2 पर आएंगे, 2 से 3 पर, फिर 3 में 15 ऐड करेंगे तो 18 पर चले जाएंगे। ऐसे करते करते हम 26 तक पहुंच गए, लेकिन अब 26 में 15 ऐड किया तो 41 आया। तो हम यहाँ ऐसा मान लेंगे कि 40 के बाद भी गिनती चालू है, यानी 1 के जगह 41 आएगा, 2 के जगह 42 और ऐसे ही आगे भी। फाइनली इन सीधी लाइनों से हमारा पहला सर्कल बन जाएगा। अब हमें दूसरा सर्कल पहले वाले से बड़ा बनाना है। इसके लिए हम 15 के जगह 12 ऐड करेंगे, तो 1 को 13 से कनेक्ट करेंगे, 2 को 14 से कनेक्ट करेंगे ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते हमें यह बड़ा सर्कल मिल जाएगा। अब हम ये तीसरे धागे का इस्तेमाल करके आखिरी सर्कल को बनाते हैं और इस बार हम 9 ऐड करेंगे। और ऐसा करने से हमें ये और बड़ा सर्कल मिल गया। ये सर्कल बनाते समय आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये प्रक्रिया बिल्कुल घड़ी के जैसे काम करती है। जैसे घड़ी में 12 के बाद भी 13, 14, 15 ऐसे गिनती चालू रहती है, वैसे यहाँ पर भी 40 के बाद गिनती चालू रहती है। तो हमारा ये खूबसूरत सा दिया स्टैंड बनकर तैयार है। हमने यहाँ 3 अलग अलग सर्कल्स बनाए हैं। आप चाहें तो इसमें अलग अलग नंबर्स ऐड करके और भी सर्कल्स बना सकते हैं। तो आप इस दिवाली अपने घर को अपने हाथों से बनाई रंग बिरंगी चीजों से सजाएं। धन्यवाद।